शगुन विज्ञान के अंदर अंगों का फड़कना बहुत बड़ा महत्व रखता है। यह विषय सृष्टि काल से ही बहुत लोकप्रिय रहा है कि घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक इस विषय पर वार्ता करते हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि अरे यार, कई दिन से मेरी बाई आंख फड़क रही है, लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। जब हम अंगों के फड़कने से जुड़े संकेतों के बारे में बात करते हैं तो पुरुष का दायां और स्त्री का बायां अंग अपनी फड़कन के अनुसार शुभ अशुभ फल देता है। तो आइए जानते हैं कि शरीर के अलग अलग अंगों का फड़कना हमें क्या संकेत देता है। सिर, अगर किसी व्यक्ति का सिर फड़कता है तो यह सफलता का सूचक होता है, और अगर यही क्रिया सिर के पीछे के भाग में हो तो यह निकट भविष्य में मनोकामना की पूर्ति का सूचक होता है। माथा, यदि माथे का संपूर्ण हिस्सा फड़के तो व्यक्ति को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यदि दाहिने तरफ फड़कन हो तो यह यात्रा में विघ्न एवं दुख का सूचक होता है। अगर बाएं हिस्से में हो तो शुभता का संकेत देता है। गर्दन, गर्दन का फड़कना प्रायः शुभ ही माना जाता है, और साथ में यह एक सुंदर नारी से मुलाकात का संकेत भी देता है। कान, यदि मनुष्य का बायां कान फड़के तो यह विपदा का सूचक होता है, और अगर दाहिना फड़के तो नौकरी में प्रमोशन का संकेत देता है। भवें, विद्वानों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की भवें फड़के तो यह बताता है कि उस व्यक्ति को निकट भविष्य में किसी से प्रेम होने वाला है। आंखें, बाईं आंख का फड़कना अशुभ माना गया है, जबकि दाहिनी आंख का फड़कना लाभ और शुभता की निशानी है। पलक, यदि दाहिनी पलक फड़के तो प्रसन्नता प्रदान करती है, और बाईं पलक का फड़कना घोर विपत्ति से टकराव का सूचक होता है। गाल, दाहिना गाल फड़के तो लाभ होता है, लेकिन अगर बायां गाल फड़के तो यह व्यर्थ के खर्चे का सूचक होता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि यदि गर्भवती महिला का गाल मध्य में फड़के तो समझ लेना चाहिए कि उसे कन्या रत्न की प्राप्ति होने वाली है। ठोड़ी, ठोड़ी का फड़कना प्रसन्नता का संकेत और शुभता की सूचना प्रदान करता है। कंधे, ऐसा बताया गया है कि यदि दायां कंधा फड़के तो परेशानी एवं उलझन प्राप्त होती है, अगर बायां कंधा फड़के तो शत्रु हावी होता है, और अगर दोनों कंधे फड़के तो विवाद के उत्पन्न होने का सूचक होता है। बगल, दाईं बगल फड़कने से सुख, संपत्ति और लाभ की प्राप्ति होती है, और बाईं फड़के तो इन सभी की हानि होती है। बांह, बाईं बांह फड़के तो चिंता की उत्पत्ति होती है, और अगर दाहिनी बांह फड़के तो शुभता प्रदान करती है। हथेली, यदि बाईं हथेली फड़के तो हानि देती है, लेकिन दाहिनी फड़के तो लालच के साथ लाभ भी दिलाती है। पीठ, जिस व्यक्ति की पीठ फड़के तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि यह एक परेशानी एवं अशुभता का सूचक है। हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा फड़कने से शुभ समाचार मिलता है, परंतु बाएं हाथ का अंगूठा फड़के तो हानि की प्राप्ति होती है। घुटना, घुटने के मामले में यह थोड़ा विपरीत है, यहां पर यदि बायां घुटना फड़के तो शुभ होता है, पर बायां फड़कने से अशुभ होता है। पांव, पांव का फड़कना शुभ माना गया है, जिसमें कहा जाता है कि यदि दाहिना पांव फड़के तो विपत्ति का नाश होता है, और अगर बायां पांव फड़के तो सफल यात्रा प्रदान करता है। जांग, यदि बाईं जांग फड़के तो यह शत्रु को बेचैन करती है, और यदि दाईं जांग फड़के तो सफलता प्रदान कराती है। मुख, होंठ और नितंब का फड़कना हर हाल में शुभ माना गया है, किंतु जीभ का फड़कना बेवजह की कलेश पैदा करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये अंगों से फड़कने की जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे अन्य रोचक वीडियो को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे वीडियोस पर क्लिक कर सकते हैं।